सबको नमस्कार। आपने बहुत सी बार देखा होगा और महसूस किया होगा कि आप किसी मुश्किल या मुसीबत में फंस गए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं और उस स्थिति में आपको सभी देव देवता, भगवान, अल्लाह, खुदा सब याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूटकर बिखरने वाले होते हैं तभी कोई व्यक्ति या कोई ना कोई आशा की किरण आपकी ज़िंदगी में आती है और आपको उस मुश्किल या उस मुसीबत से निकाल देती है। मान लो कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए जहाँ जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और डरावनी रात का अंधेरा हो और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा हो या मोबाइल की बैटरी डाउन हो या मोबाइल का बैलेंस ही ख़त्म हो गया, मतलब आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और उधर से कोई भी गुज़र ना रहा हो या एक दो गुज़रे भी तो उन्होंने आपकी मदद नहीं की। अब सोचो उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाशों, डकैतों का डर और जंगली जानवरों का डर अलग से। अब जरा सी आहट ही आपकी जान निकालने के लिए काफ़ी है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगेंगे। खुदा, भगवान, ईश्वर सभी एक साथ याद आने लगेंगे और जुबा पर सिर्फ एक ही बात होंगी कि हे मेरे मालिक, मेरे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुश्किल से निकाल कर सही सलामत घर पहुंचा दे। आपका खून सूखने वाला ही होता है तभी कोई आपके पास आकर रुकता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, क्या वह व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना एक इत्तेफाक था या उसे उस रब ने, उस मालिक ने या उस भगवान, उस खुदा ने आपके पास भेजा था? जहाँ तक ऐसा मानना है उसे उस मालिक, उस भगवान ने आपके पास भेजा था ताकि आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल सके, क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं जा सकते। वो आपकी मदद के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। इसी तरह की बहुत सी बातें हमारी ज़िंदगी में होती है। ऐसी ही एक कहानी सुनते हैं जो आपको बताएगी कि भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद भी करता है। बस आपको धैर्य और खुद में तथा भगवान में विश्वास रखना चाहिए। तो आइए सुनिए कहानी जिसका नाम है विश्वास। एक बहुत बड़े तथा मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम मार्क था। वह एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे तथा जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज़ के उड़ने से कुछ समय बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उनको टैक्सी तो मिली लेकिन बिना ड्राइवर के, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय किया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद हो गया, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग दो घंटे भटकने के बाद उनको समझ आया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत ज़ोर से लगी थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में
वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखाई दिया। उन्होंने बिल्कुल मकान के नज़दीक अपनी गाड़ी रोकी, परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उस महिला ने बताया कि उनके पास यहाँ फ़ोन नहीं है, फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए, मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी और कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। डॉक्टर मार्क उस महिला की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ, आप अपनी प्रार्थना कर ले। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस महिला को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो ना हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह महिला अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर है, जिसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे, वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवा कर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क यह सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश से हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, भगवान बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा, कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अंदाज में शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठे और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस महिला को सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और वे असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। ये कहानी हमें दो सीख देती है। एक तो ये कि हमें कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और दूसरा, जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत हो जाए, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना देंगे जिससे आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल जाओ।
अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो पाएंगे कि ज़िंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती है जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं, तब आपको कहीं से अचानक मदद मिल जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ विश्वास रखें, भगवान आपको हर मुश्किल हर मुसीबत से निकाल देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू वाला बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले कथा कहानियों के एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर आप इस कहानी के बारे में या मेरे इस चैनल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपके बताए हुए सुझाव का इंतज़ार रहेगा और स्वागत भी। धन्यवाद।